सो गाइस अब देखते मराठी थिएटर, ठीक है। तो मराठी थिएटर में क्या हो गया, जैसे फॉक थिएटर जाओ, फॉक थिएटर में क्या हो रहा था, प्रॉपरली कोई चीज प्लान्ड होकर नहीं होती थी ना कि किसी को कितना चलना है, 2 कदम चलकर दिखाना है, 4 कदम। तो वहां पर क्या होता था, सारे रोल प्ले होते थे, रोल प्ले जो जो हमने देखे, दशावतार थिएटर हो रहा है, थिएटर ड्रामा हो रहा है, तमाशा हो रहा है, पौड़ा हो रहा है, बुरड़ हो रहा है, ललित हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है। बट स्पेसिफिकली ऐसा नहीं होता था ना कि भजन कितने देर होगा, कीर्तन कितने देर होगा। आगे जाने वाले टाइम में जैसे आए थिएटर स्टेज जो आने लगे, जहां पर स्टेज के साथ चीजें होने लगी, तो ये आता है मराठी थिएटर पीरियड जो स्टार्ट होता है 17th-18th सेंचुरी के बीच में, ठीक है। वहां पर थिएटर जो होता था वो स्पेशली एक परफॉर्मेंस स्टेज हो जाता था, ठीक है। परफॉर्मेंस स्टेज हो रहा है जहां पर या तो परफॉर्म देना ही है, परफॉर्मेंस या तो सोलो होगी या तो कलेक्टिव होगी, कलेक्शन ऑफ द लोगों के, जहां पर क्या होता था न सिर्फ आर्टिस्ट बल्कि ऑडियंस भी कंपलसरी हो जाती थी। यहाँ पर जो पहले आपने तमाशा आज भी देखा होगा, ये लोग स्टार्ट करते हैं रोड पर, अपने रोड तो रोड शो कभी होते हुए देखा होगा, जब अपन लोग चलते हैं रस्सी पर, तो वो लोग क्या करते हैं, ढोल बजाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद पब्लिक जमा होती है। थिएटर परफॉर्मेंस का जो दौर आया, थिएटर परफॉर्मेंस का जो टाइम आया, उस टाइम में क्या होने लगा कि वहां पर जितने आर्टिस्ट चाहिए उतने ही ऑडियंस भी कंपलसरी होने लगी। तो ऑडियंस के बैठने के लिए जगह स्पेसिफिकली पहले से बनने लगी, तो थिएटर परफॉर्मेंसेस आ रही है, यहाँ पर पूरा पूरा एक रोल तैयार होने लगा जिसका बेस बनता है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बेस जो पूरा है वो थिएटर पीरियड में स्टार्ट होने लगा। महाराष्ट्र में स्पेशली देखा जाए तो महाराष्ट्र में थिएटर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी। महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा मुंबई रीजन जो होता था, मुंबई एक राज्य होता था वो टाइम पे, तो मुंबई रीजन जो पूरा का पूरा है वो क्या था, एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया माना जाता था इंडिया का, जो आज भी है। तो यहाँ पर थिएटर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा बाहर जाते थे, आउट ऑफ कंट्रीज जाते थे और वहाँ से अलग अलग नई नई चीज़ें देख कर आते थे, सीख कर आते थे, और वो चीज़ें आकर क्या करते थे, यहाँ आकर अप्लाई करते थे। तो इसके साथ ये आर्टिस्ट और थिएटर जो करियर पूरा स्टार्ट होता है एंटरटेनमेंट और हिस्ट्री के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मराठी थिएटर्स, क्योंकि मराठी थिएटर्स एंड मराठी जो फिल्म ड्रामा हुए शुरू में, दैट ओनली प्ले द रोल ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। और हम लोग जब फिल्म इंडस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है महाराष्ट्र का है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के डेवलप होने में और स्टार्ट होने में भी, ठीक है। तो हम लोग इन डिटेल में देखते हैं आगे। अब जब पूरा थिएटर प्रोग्राम जो मराठी थिएटर्स पार्ट में हमें बताया गया, दैट इज कि वहां पर क्या होता था, स्पेसिफिकली सारी चीज़ें प्लान्ड होती थी। कैसे प्लान हो रही है, तो पहले स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के साथ डायरेक्टर आ रहा है, डायरेक्टर के साथ आर्टिस्ट आ रहा है, आर्टिस्ट आ रहा है, मेकअप आ रहा है, मेकअप आ रहा है, तो फिर कस्ट्यूम्स आ रहे हैं, स्टेज आ रहा है, स्टेज के साथ बैक स्टेज भी आ जाता है, आर्ट आ जाता है, आर्ट डिज़ाइन आ जाता है, लाइटिंग आ जाती है, अरेंजमेंट आ जाती है, ये पूरी की पूरी। और साथ में ही न सिर्फ ऑडियंस आ रही है, ऑडियंस के साथ क्रिटिक्स भी आ जा रहे हैं, यानी वो लोग जिन्हें अच्छे भी लग रहा है और जो सुने सो अच्छा नहीं भी लगता है, यानी सभी लोगों को इंपॉर्टेंस देना चालू हो गया। सभी लोगों को इंपॉर्टेंस देने से क्या हो गया, मराठी थिएटर्स बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। सबसे ज़्यादा फेमस हुए भोसले फैमिली के टाइम में, जहाँ पर भोसले फैमिली ने क्या किया, ड्रामा को लिखना स्टार्ट किया। हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये सारी जो तमाशा है, जो पावड़ा है, यहाँ पर क्या होता था, कोई भी ड्रामा जो है वो स्पॉन्टेनियसली किया जा रहा था, किसी पर भी कोई स्पेसिफिकली कुछ करने की प्लान नहीं होती थी चीज़ें। यहाँ पर चीज़ों को प्लान करना स्टार्ट हो गया थिएटर पीरियड के अंदर, जो मिडिवियल पीरियड में 17th-18th सेंचुरी आ गई, जहाँ पर क्या हो गया, सारी चीज़ें प्लान होने लगी। प्लान होने लगी तो क्या हो गई, वहां पर पहले चीजें लिखी जाती थी, यानी पहले स्क्रिप्ट रेडी की जा रही है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है विष्णुदास भावे जी का, जिन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया इस मराठी थिएटर्स को स्टार्ट किया, थिएटर प्रोग्रामिंग, थिएटर मतलब थियोरेटिकल ड्रामा को स्टार्ट किया, राइट। तो विष्णुदास भावे जी का नाम यहाँ पे आता है, जिनके टाइम में मतलब सबसे पहला जो प्ले हुआ था, सबसे पहला जो थिएटर प्ले थिएटर ड्रामा हुआ, दैट इज सीता स्वयंवर, जिसका हमें नाम मिलता है इतिहास में, हिस्ट्री में, सीता स्वयंवर जो सबसे पहला प्ले हुआ था वो भी महाराष्ट्र में हुआ था, मराठी थिएटर्स में ही उसमें हुआ था, दैट इज सीता स्वयंवर। ज़्यादातर ये ड्रामे जो वो टाइम पे हो रहे थे वो होते थे मोस्टली हिस्टोरिकल चीज़ों के ऊपर हो रहे थे, या फिर माइथोलॉजिकल चीज़ें, यानी जो मिथ होती है उनके ऊपर, यानी कि ये ऐसा हुआ था वैसे हुआ था, तो मिथोलॉजिकल या फिर हिस्टोरिकल बेस पे होते थे, या फिर कुछ जैसे ऐसे चेंजेस होता टाइम। तो यहाँ पर आगे जो आया वो हुआ कि सोशल इशू जिसके ऊपर भी बनने लगे ड्रामा, बट इन ह्यूमेरियस वे, इनको ह्यूमर डाला गया उनके अंदर, क्या किया गया, थोड़ा मजाक मस्ती डालकर उसको ह्यूमर वे में भी सोशल इशूज के ऊपर बनाने लगे, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड चल रहा था, डायरेक्ट सोशल इशू के ऊपर आप नहीं दिखा सकते थे। सो दैट्स व्हाट कम इन द पिक्चर के ड्रामा इस तरह से होने लगे।
और पहले पहले जब शुरू के टाइम पे सिर्फ स्क्रिप्ट तो रेडी हो जाती थी, बट डायलॉग्स उसके टाइम नहीं लिखे जाते जैसे आज की मूवीज हम लोग देखते हैं। आज स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट के साथ डायलॉग डिसाइड हो जाते हैं, जहाँ पर मूवीज में आके सलमान खान बोलता है मैं इतने छेद करूंगा कि सांस भी नहीं ले पाओगे, दैट ऑल दैट, तो वो पूरे क्या होते हैं डायलॉग फिक्स होते हैं, राइट। बट उस टाइम पे जो होते थे ड्रामा उसमें क्या होती थी, स्क्रिप्ट फिक्स होती थी, डायलॉग जो है वो आर्टिस्ट स्पॉन्टेनियसली ऑन द स्पॉट जब जगह पे उनको बोलना होता था वो कुछ नया नया डायलॉग बोलते थे। धीरे धीरे एरा चेंज हुआ, धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, टाइम चेंज के साथ क्या आ गया, क्या हो गया, स्क्रिप्ट के साथ साथ डायलॉग भी आने लगे। बट हो क्या रहा था, अभी भी ये सारी चीजें ड्रामे के ऊपर चल रही थी। ड्रामेटिकल में क्या है, आप एक बार परफॉर्मेंस करेंगे तो आपके सामने जितनी ऑडियंस है वो देखेगी, अब दूसरी ऑडियंस आई वापस से आपको परफॉर्म करने पड़ेगा, तो इस तरह से जो लिमिटेशंस मिलती है वही क्या करती है हमें आगे नई अचीवमेंट तक पहुंचाती है। तो ये लिमिटेशन आज भी थी ड्रामा की, मतलब आपको अगर आज के दिन में 400 करने तो आपको 4 बार सेम ड्रामा रिक्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली उसी तरह से चल रहा था। इसमें अभी हमें सबसे आगे और एक नाम मिल जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम, दैट इज अन्ना साहेब किर्लोस्कर जी का मिल जाता है मराठी थिएटर में, जिन्होंने संगीत शकुंतल इस तरह से इस ड्रामा को प्ले किया था, जो कि उस समय सब बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी से मिली थी संगीत शकुंतल को, अन्ना साहेब किर्लोस्कर जी का नाम मिल जाता है। इसके बाद हमें जो इस डायलॉग वाली मैंने जो बात बोली आपको, स्क्रिप्ट थी उसके बाद डायलॉग्स नहीं थे, तो डायलॉग्स को डेवलप करने के ऊपर जो नाम मिलता है मराठी थिएटर्स में, दैट इज विजय कीर्ताने। विजय कीर्ताने जी ने स्क्रिप्ट के साथ साथ डायलॉग करके पहला जो थिएटर ड्रामा लिखा था, जो मराठी थिएटर ड्रामा लिखा था, जिसमें उन्होंने स्क्रिप्ट के साथ साथ डायलॉग भी लिए थे। अब इसकी हिस्ट्री में और एक चीज क्या मिलती है कि उस समय भी जो थिएटर्स होते थे, जो ड्रामा होते थे, वो ड्रामा क्या होते थे, ओपन ग्राउंड में होते थे, अलग अलग जो ग्राउंड्स थे वहां पे ओपन ग्राउंड में होने लगे, तो ओपन ग्राउंड्स में होते थे तो उससे क्या होता था ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाते थे। बट ब्रिटिश पीरियड में इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, क्लोज ग्राउंड, मतलब क्लोज्ड ग्राउंड, क्लोज थिएटर हॉल बनाने स्टार्ट किए, जिसमें नाम आता है सबसे पहले प्ले हाउस का नाम आता है, फिर रिपन का नाम आता है, फिर विक्टोरिया थिएटर्स का नाम आता है। दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे मुंबई में इन्होंने सबसे पहले क्लोज थिएटर्स बनाने स्टार्ट किए। उसके बाद क्या हो गया, एक एरा चल पड़ा, एक टाइम चल पड़ा एक कि सारे थिएटर्स उसके बाद थिएटिकल ड्रामा जो है वो सारे के सारे क्लोज में होने लगे। और थिएटिकल ड्रामा की बात करें मराठी थिएटर्स की, तो आज भी होते हैं महाराष्ट्र में, और नॉट ओनली इन महाराष्ट्र, मुंबई में बहुत सारे मराठी थिएटर्स हैं, मराठी थिएटर्स हम लोग उन्हें नहीं कह सकते बट थिएटर्स हैं, और उन थिएटर्स में आज भी आए दिन एवरी डे बहुत सारे अलग अलग ड्रामास प्रेजेंट होते हैं, उन ड्रामा के ऊपर वर्क होता है। आज भी हम लोग देखेंगे अलग अलग कॉलेज में प्रोग्राम होते हैं जहाँ पर ड्रामा को एक स्पेसिफिक प्लेस दिया जाता है, जहाँ पर ड्रामा को आज भी बढ़ाया जाता है। तो ड्रामा इज ओल्डेस्ट फॉर्म बट एज वेल एज आज के टाइम पे भी चल रहा है। आज थोड़े चेंजेस हो सकते हैं मॉडर्न एरा के साथ, बट ड्रामा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब लिमिटेशन इसकी यही थी, तो लिमिटेशन इसको कैसे कवर करके आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आई उसको हम लोग देखते हैं इन डिटेल में, ठीक है।